दोस्तों फ्यूचर ग्रुप को झटका लगने के बाद फ्यूचर कुप्पन ने एसेट को जब्त करने के हाई कोर्ट के आदेश को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अमेजोन के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर कुप्पन, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बयानी के एसेट को जब्त करने का ऑर्डर देने वाली सिंगल जज की बेंच के ऑर्डर को संशोधित यानी रिवर्स किया था। सिंगापुर कोर्ट ने कहा था कि दोनों कंपनियों के बीच डील को रोकने वाली सिंगापुर के आर्बिट्रेटर का फैसला सही है और अमेजोन की आपत्तियां वैलिड और देश में लागू होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स की टॉप कंपनियां अमेजोन और फ्यूचर रिटेल का ये मामला पिछले साल का है। अमेजोन का कहना है कि उस डील में 3 से 10 वर्षों के बाद फ्यूचर रिटेल को खरीदने का विकल्प भी शामिल था। फ्यूचर ग्रुप पर देश और विदेश के 28 बैंकों के लगभग 21,000 करोड़ रुपए बकाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद कर्ज की वसूली की इन बैंकों की उम्मीद को झटका लगा था। तो दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि फ्यूचर ग्रुप ने जो स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट फ्यूचर ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।